गुड इवनिंग गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल राहुल रमोला व्लॉग्स में। तो सुबह से लेके शाम तक मैं सो रखा था। आज दिन है सैटरडे, छुट्टी थी मेरी और 3 तारीख है सेप्टेम्बर। बेसिकली अभी मैं सोच रहा हूँ कि चलो सुबह से लेके शाम हो चुकी है तो मैं निकलता हूँ बाहर देखता हूँ। मैं डिसाइड नहीं किया कहाँ जाने वाला हूँ। कल का प्लान ऑलरेडी स्केड्यूल्ड है, आई एम गोइंग टू मुरथल, चलते हैं ना। तो अभी भैया हम पहुंच गए पेट्रोल पंप पे। पेट्रोल एकदम जीरो और अभी भरना शुरू हो गया और भरते भरते ऊपर कांटा चढ़ने लग गया। मैं पहुंच गया हूँ पेट्रोल पंप, अब देखते हैं कहाँ पहुंचता हूँ। Currently I am near to sector 23 market. Side में market है, यहाँ से मतलब काफी बड़ा market है। Let's see, मुझे तो नहीं लगता यहाँ पे कुछ मिलेगा मेरे लायक सामान। मैं लेने जा रहा हूँ यहाँ पे पैसा भी, so मुझे लगता है थोड़ा आगे चलता हूँ। वैसे इस एरिया में रनिंग ट्रैफिक हमेशा ही रहता है just because of parking issue. Parking कभी कोई यहाँ कर देता है साइड रोड पे खड़ी, कभी कहीं कर देता है, तो ट्रैफिक लगा रहता है, जाम लगा रहता है हमेशा। So finally हल्का सा रोड क्लियर हो चुका है और मैं आगे बढ़ रहा हूँ। So actually I have decided कि मैं ambience mall की तरफ जाऊँ क्योंकि रात के 9 या मतलब 8:30 बजे से ऊपर ही है, तो इतनी रात को कहाँ मिलेगा, वहीं मिलेगा मुझे जो भी सामान चाहिए। मुझे चाहिए था सेल्फी स्टिक जो कि मेरा अमेजोन से आ नहीं रहा 2 दिन से, तो मैंने सोचा कि अभी जाके ले आऊँ। कल मेरे को जाना है कहीं, तो ओबियसली वहाँ के लिए भी मेरे को चाहिए होगा। फिलहाल इस महीने तो मैं मोबाइल से ही जितना भी शूट करूँगा मोबाइल से ही करूँगा। शायद नेक्स्ट मंथ से मैं कैमरा ले लूंगा तो आपको थोड़ा और क्लैरिटी मिलेगी हमारी वीडियोस में। सो अभी मैं हूँ शंकर चौक के आसपास। शंकर चौक से सामने सो फाइनली मैं एम्बियंस के पास पहुंच गया हूँ। अभी यहाँ से निकलते हैं एम्बियंस, चेक करते हैं वहां पे कोई है या शॉप। रात को कितना मस्त लगता है भाई, एम्बियंस बहुत सही लग रहा है। हाँ तो वीडियो बनाने के बहुत सारे पर्पस होते हैं, अपनी लाइफस्टाइल रियलिटी इन सब के बहुत पर्पस होते हैं। हमारे घर वाले बोलते थे भैया सरकारी नौकरी कर लो, सरकारी नौकरी कर लो। अब हम आगे प्राइवेट में, तो प्राइवेट में कैसी लाइफ जी रहे हैं, कैसी लाइफ होती है हमारी स्ट्रगल वाली, वही हम दिखाना चाहते हैं। बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा, इतनी आसान नहीं होती है ये लाइफ। बट हर दिन का रूटीन हमारा अजीब सा रहता है, कभी कहीं कभी कहीं। बहुत ज़्यादा दौड़ भाग वाली ज़िंदगी होती है प्राइवेट लाइफ की, क्या करें। तो ये वाला जो अंडरपास है मतलब ये रिसेंटली ही कंस्ट्रक्ट हुआ है एंड नाउ मतलब फाइनली खुल चुका है। तो ये एम्बियंस मॉल मतलब के नीचे से, मतलब नीचे से नहीं बोलूँगा भाई, ऑब्वियसली एम्बियंस मॉल के पास में ही है जो टोल प्लाजा है उसके नीचे से बना हुआ है। पहले बहुत दिक्कत होती थी, बहुत बड़ा यू टर्न लेना पड़ता था, तो मतलब अभी ठीक है। अभी सामने आ गया एम्बियंस मॉल, घुसते हैं इसकी पार्किंग। ये तो सामने से बहुत छोटा दिख रहा है, नहीं वैसे तो है बड़ा बट ठीक है। चलो भैया ढूंढते हैं यहाँ की पार्किंग को, पार्किंग मिल जाए बस, और क्या चाहिए। यहाँ पार्किंग मिलना भी तो बहुत बड़ा चैलेंज है। और यार वैसे दिख बहुत बढ़िया रहा है ना। सो दिस इज द मेन एंट्रेंस ऑफ एम्बियंस मॉल। सो अभी पार्किंग चेक इन कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, सिक्योरिटी चेक से इन करने के बाद दिखाता हूँ।
किसे थर्ड फ्लोर पे याद नहीं था ना कहाँ है, क्रोमा या रिलायंस डिजिटल में शायद मिल ही जाएगा कुछ ना कुछ। गाइस मैं अभी जा रहा हूँ क्रोमा में, वैसे कब तक आएगा दूसरा सेल्फी स्टिक, मैंने काफ़ी ढूंढा आपके यहाँ तो मिला ही नहीं, मेरे पास अभी जाके फिर ये ऑप्शन बच गया मेरे पास, तो मैं दिखा रहा कल दो पीस आ जाए, कोई नहीं अभी फिलहाल के लिए ये ले लेता हूँ और उसके बाद कल मुझे दूसरा आ जाएगा तो मैं ले लूँगा कल या नेक्स्ट वीकेंड तक। हाँ ठीक है, थैंक यू भैया। तो मैं आया, मैंने सेल्फी स्टिक देखी क्रोमा में, लेकिन यार जो जैसे चाहिए थी ना वैसे मिली नहीं मेरे को, ऐसा कुछ मिला अभी फिलहाल काम चलाने के लिए, लेकिन हाँ ठीक है मैंने करा ली उसकी बिलिंग और ले लिया। एंड इस बार ऑनलाइन ऑर्डर ही करना पड़ेगा मुझे ऐसा लग रहा है फिर से वापस ऑनलाइन, मुझे लगता है ऑफिस के एड्रेस पर मंगाऊंगा तो शायद आ जाएगा, वहाँ पर जल्दी आ जाते हैं, घर के एड्रेस पर शायद आ नहीं रहे उस साइड। काफ़ी लेट हो चुका है ऑलमोस्ट, खाने का टाइम भी हो गया है तो मुझे लगता है डिनर भी यहीं से करके निकल लेना चाहिए। तो अभी जा रहा हूँ मैं बाहर, पार्किंग में आ चुका हूँ एंड निकलते हैं थोड़ा सा कहीं आसपास कोई मार्केट खुला हो तो वहीं देख लेंगे इस खाने के लिए, जो काम करने का आया था वो तो।
पहुंच गया हूँ शंकर चौक पे। वैसे यहाँ पे डर लगता है भाई कभी कभार रोड क्रॉस करते हुए, क्योंकि काफ़ी स्पीड से गाड़ियाँ आ रही होती हैं और ऊपर से नीचे लेते हुए क्या बोलूँ मैं। आई मीन वह एक साइड से दूसरी साइड क्रॉस करते हुए बीच में काफ़ी मतलब ध्यान रखना पड़ता है, गाड़ी को ऊपर से नीचे के साइड ले जाते हैं। मुझे मिला डोसा सेक्टर 22 के मार्केट में, अब ये खा के निकलेंगे। और ये डिनर करने के बाद अब निकलने का टाइम हो गया घर, तो निकलते हैं एंड आपसे बाद में मिलते हैं कभी। और सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग राहुल डोमोला व्लॉग्स। स्टे सेफ एंड शेयर करो वीडियो को ज़्यादा, हमारा भी टाइम पूरा हो, वॉचर्स का टारगेट जल्दी पूरा हो। डोसा करके हो गया, अभी निकलते हैं क्योंकि काफ़ी देर हो चुकी है एंड कल सुबह भी कहीं ना कहीं निकलना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, कीप सब्सक्राइबिंग द चैनल, कीप शेयरिंग। और मेरे वॉच आवर्स का टारगेट रह गया है, उसको बढ़ाने में भी हेल्प करो ताकि चैनल जल्द से जल्द ग्रो हो जाए और ज़्यादा। सो थैंक यू गाइस, स्टे सेफ, स्टे इन टच।